खमरिया थाना क्षेत्र में कृष्णा कॉलोनी से चोरी की घटना का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही घर के सामने रहने वाली महिला पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी अपने साथ लेकर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। तो वही पीड़िता ने करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर गायब होने की बात कही है। मेरे घर में 5 तारीख को शनिवार के दिन पूजा पटेल जी आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी इयररिंग का डिजाइन अच्छा लगा तो मुझे उसकी फोटो दिखा दो या दिखा दो। तो मैंने कहा मैं फोटो दिखा देती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, मुझे असली देखना है, मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं अपने रूम में गई, वो हॉल में बैठी थी, तो वो आके पीछे से मेरे रूम में बैठ गई। मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल के मतलब उनको अपना इयररिंग दिखाया और उन्हें देख के फोटो क्लिक कर ली और वो लेके चली गई अपने घर। फिर संडे को उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया, उन्होंने मुझे मंडे को इन्वाइट किया वेलकम पार्टी के लिए कि तुम मंडे को आ जाओ। मैं जब उनके घर गई, उस बीच में मेरे ससुर जी घर में थे, वो उनके पास आई मुझे छोड़कर और उनसे मेरे ससुर जी से कहा कि आप आइसक्रीम ला दीजिए अंकल जी, मैं यहीं खड़ी हूँ। मेरे ससुर जी उनको छोड़ के, उनके भरोसे घर छोड़ के 2 मिनट के लिए चले गए। उतनी देर में उनने जो भी किया हो, मुझे पूरा शक उन्हीं पे है, क्योंकि उनके अलावा मेरे घर में कोई नहीं आया और मेरे घर में कोई आता भी नहीं है। कल दिनांक 9/6/2021 को श्रीमती श्वेता बोस, पति शुभम बोस, अपने पति के साथ थाना खमरिया आई, जिसने बताया कि दिनांक 8/6/2021 को रात करीब 8:30 बजे उसने अपनी अलमारी चेक किया, जिसमें कि उसके सोने का नेकलेस रखने का जो डिब्बा है वो उल्टा पड़ा था। उसे चेक किया तो उसमें सोने का नेकलेस नहीं था। फिर उसने अपने अन्य सामान में चेक किए लॉकर में, जो कि इसमें सोने का मंगलसूत्र, सोने के कंगन, सोने की अंगूठी, ये 4 आइटम नहीं थे। तो अपने पति के संग रिपोर्ट लिखाने है, तो उसके रिपोर्ट पर से मामला कायम किया और आज फिर हम तो मौके पर रवाना होकर उसके जो अलमारी है और सामानों के उसमें डिब्बों के हमने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट टीम आई थी, उन्हें फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और वो उसकी तस्दीक की जाएगी। और जिन पर संदेह कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो हमारे थाने के संपत्ति संबंधी अपराधी हैं उनसे।